बल्कि हम सबके आपसी त्योहार की कमी बन जाते हैं। जगह जगह जाना, मिलना, हमारे माननीय मंत्री हमारे बीच बहुत बार आए, हमेशा जब भी हमें जरूरत हुई, या यहाँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि बच्चों के पिता होने के नाते जब उन्हें हमारी जरूरत हुई, तब दोनों तरह से हम लोग मिलते रहे। लेकिन आज उनका यहाँ एक विशेष कारण से आना हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और हम उनका दिल से अभिनंदन करते हैं। मैं अगर बहुत से शब्दों में आपका परिचय कराऊं तो शायद उचित नहीं होगा, मैं खुद यही कह रही हूं, लेकिन मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं, बहुत अच्छी लिखी हुई दो पंक्तियां हैं कि शहर में गए घर थे, घरों पर नाम थे, नाम के साथ ओहदे भी थे, मगर जब ढूंढा तो कोई आदमी ना मिला। तो ऐसी दुनिया में जब सारी चीज़ें हमारे अपने स्तर से बहुत ऊंची होती हैं, लेकिन जब हम इंसानियत को ढूंढने जाते हैं तो हम खाली हाथ खड़े रह जाते हैं। उन नामों को देखते हैं, नेम प्लेट्स पढ़ते हैं, डेजिग्नेशंस देखते हैं, लेकिन जहां इंसानियत शब्द आता है वहां हमारे हाथ ज़्यादातर खाली ही रह जाते हैं। लेकिन उस इंसानियत को ढूंढने के लिए मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि क्या साधन होना चाहिए। जब भी कहीं आदमी ढूंढना पड़े तो तीन चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझ सके। ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझ सके, जो आपके गुस्से के पीछे का रोष समझ सके, जो आपके चुप रहने की वजह समझ सके, वही इंसान है और उसी की तलाश हम सबको करनी है। जब हम आज के परिप्रेक्ष्य इन तीनों बातों को लेकर चलते हैं तो हमारे सामने एक ही चेहरा आता है, माननीय मंत्री कपिल देव जी का। ये तीनों बातें अगर आप लोग चुपचाप अपने मन में सोचेंगे तो सच में बहुत से चेहरों के बाद जो एक मुख्य चेहरा होगा वो आपका होगा। कहीं दुख हो, कहीं दर्द हो, कहीं खुशी हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारे भाई कपिल देव जी ना पहुंच पाते हों। राजनीति तो शायद बहुत बाद में उन्होंने ज्वाइन की होगी, बहुत बचपन से एक स्वयं सेवक के रूप में इस समाज की सेवा की। उसके साथ साथ मैंने तो बहुत पहले, बहुत छोटे से थे तब से ही देखा और मिली मैं इनसे, बहुत छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाते हुए आज देश की बड़ी समस्याओं को सुलझाने का एक उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है। हम सब लोगों ने आपका चेयरमैनशिप का कार्यकाल भी देखा है, क्योंकि आज ये विकास, कौशल विकास मंत्री हैं। हो सकता है हम लोगों का उस डिपार्टमेंट से उतना ज़्यादा वास्ता ना पड़ा हो और हम उनकी कार्यशैली को इस रूप में बहुत अधिक ना देख पाए हों, लेकिन अगर हमें उन्हें परखना है तो हमें उनके चेयरमैनशिप के कार्यकाल को देखना होगा कि किस तरह से हमारे शहर का विकास उनके समय में हुआ था। उन्हीं सब बातों को देखते हुए आज एक मौका मिला है कि हम लोग अपनी भावनाओं के साथ साथ इस बात को समझ पाएं कि इस देश के विकास के लिए, इस शहर के विकास के लिए, जो छोटी छोटी संस्थाओं के विकास के लिए हमें अपने कौन से प्रतिनिधि चुनने हैं और उनको आगे भेजना है। और हम तो जिस समाज में हैं, शायद हमारी निगाहों पर और समाज के लोगों की निगाहें रहती हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग और एक अध्यापक वर्ग बिल्कुल अलग खड़ा हो जाता है और पूरा समाज ये सोचता है कि अध्यापक वर्ग बहुत सोच समझ कर कोई निर्णय लेता है जो सबके हित में हो। तो एक बार हमें फिर वो समय मिला है जब हमें अपनी सोच से ये देखना है, समझना है, परखना है और उस आदमी को ढूंढना है जो तीन कारण मैंने आपको दिए, उन सब
तीनों कारणों पर खरा उतरे, वहीं हमारे वोट जाने हैं, वहीं हमारा प्रतिनिधि होना, प्रतिनिधित्व होना है। तो इस प्रतिनिधित्व के लिए मैं एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उसके साथ साथ विश्वास दिलाती हूं कि हम बहुत जल्दी एक बार आपकी विजय के पश्चात फिर पुनः आपका स्वागत करेंगे। वो भी हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपको फिर एक बार विजयी बनाकर आपका स्वागत करें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी द SG पब्लिक की प्रिंसिपल मिसेस नीलम महाना को, वे यहाँ आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। SD व द SD परिवार के मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी ऑनरेबल श्री आकाश कुमार जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री कपिल देव, माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी, हमारी माननीय डायरेक्टर मैडम चंचल सक्सेना जी, मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्य और सभा में उपस्थित सारे शिक्षाविदों को मेरा हार्दिक नमन, अभिनंदन, वंदन। श्री कपिल देव अग्रवाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ही डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। समाज के सभी वर्गों में ये अत्यंत लोकप्रिय हैं। अपनी व्यवहार कुशलता, अपने मधुर वक्तव्य के कारण ये समाज के सभी वर्गों में बहुत लोकप्रिय हैं। वस्तुतः श्री कपिल देव अग्रवाल जी शहर की एक जानी मानी हस्ती हैं। मेरा आपसे पहला परिचय 2018 में हुआ, जब हमारा नया नया स्कूल खुला था और हमारे यहाँ रुबेला मीजल्स का वैक्सीनेशन कैंप लगा था। तब आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आए थे और उस दिन भी उनका सरल स्वभाव और मनमोहक मुस्कान मेरे मानस पटल पर अंकित हो गई थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, जब उन्होंने मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ या वो मुझे नहीं जानते। तो सब आम लोगों में घुल मिल जाना अगर किसी को सीखना है तो श्री कपिल देव अग्रवाल जी से सीखें। 2019 में जब हमारा फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था, तब भी श्री कपिल देव जी हमारे मुख्य अतिथि थे और उन्होंने बच्चों के स्टाफ मेंबर्स की इतनी हौसला अफजाई करी, इतना मोटिवेट किया बच्चों को कि हम सभी में एक दुगनी ऊर्जा का संचार हो गया था। आज माननीय श्री कपिल देव जी हमारे बीच में हैं और हम सब जानते हैं कि वह मुजफ्फरनगर सदर सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो मैं SD और द SD परिवार की ओर से उनको उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये आशा करती हूँ कि आप मुजफ्फरनगर की जनता के लिए और देश की सेवा के लिए हमें देश की हमेशा लंबे समय तक, दीर्घकाल तक सेवा करते रहेंगे। पुनः एक बार आपसे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी हम लोगों ने देखा कि COVID-19 टीकाकरण कैंप, इसमें हमारा जो इंडिया है, इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर है और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पर है। और जहाँ पर भी कहीं कैंप होते थे तो हमारे मंत्री महोदय का प्रयास होता था कि वे उस कैंप में उपस्थित रहें और इसके लिए मैं समझती हूँ कि हम सबको उन्हें साधुवाद प्रेषित करते हैं हम सब। और आप सबसे निवेदन कि आपकी तालियों की गूंज जानसठ तक जानी चाहिए। हम लोग जानसठ रोड पर हैं, तालियाँ जानसठ तक पहुँचें। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ प्रिंसिपल SG पब्लिक स्कूल मिसेस अनीता दत्त।
वे यहाँ आए और अपने उद्गार प्रस्तुत करें। नमस्कार, माननीय कपिल देव जी, आकाश सर, डायरेक्टर मैम और यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच आज कपिल देव जी आए हैं, जो जिनको सब लोग जानते हैं, मैं शायद सबसे कम जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको कोई भी परिचय की ज़रूरत नहीं है सर, खाली एक यहाँ पे इज़ नॉट बीन जस्ट अ पर्सनैलिटी, लेकिन उन्होंने अपना काम, अपने काम से और अपने रिलेशन से उन्होंने मुजफ्फरनगर की प्रगति के लिए काम किया है। सर बचपन से ही देश की सेवा में लगे हैं और जैसे मुझे पता चला कि छोटी छोटी जहाँ पे भी दिक्कतें आई हैं, सर हमेशा अवेलेबल रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इनसे बढ़कर और कौन हो सकता है कि जो आम आदमी की परेशानी को समझता है, जो इस प्रदेश की प्रगति के लिए काम करना चाहता है। तो मुझे लगता है सर कि मेरी तरफ से इस मंच से मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि 10 फरवरी को जो हमारा वोटिंग अधिकार है उसको हम सब इस्तेमाल करें और एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो कि हमारा जो प्रगतिशील हो, जो हमारी समस्याओं को समझते हैं और जो हमारी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। तो आप सब से अनुरोध है सर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारे को विश्वास है कि आप ज़रूर विजयी होंगे। और आप सब से अनुरोध है कि आप अपना कीमती वोट कपिल जी को देकर और इस प्रदेश की और पूरे देश की डेवलपमेंट में और पूरे देश की प्रगति में अपना योगदान करें। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू मैम। यहाँ पर एक चीज़ की ओर मैं आप लोगों का सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जब COVID-19 टीकाकरण कैंप में हम लोग जाते थे, मैं अपने बच्चों के साथ गई हूँ, अपने फादर इन लॉ के साथ गई हूँ और अपने कैंप वैक्सीनेशन के लिए भी गई हूँ। हम सब ने ये देखा कि कहीं पर भी वैक्सीनेशन के टाइम पर किसी भी बंदे से ये नहीं पूछा जाता था कि आपका धर्म कौन सा है, जाति कौन सी है या आप कहाँ से आए हैं। ये सब कुछ ना पूछते हुए बिल्कुल निष्पक्ष रूप से वैक्सीनेशन किया जाता था। तो जो वो एक BJP का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मैं समझती हूँ कि उस नारे को सिर्फ एक नीति के तरह या कथन की तरह BJP नहीं प्रस्तुत करता है, वो BJP के चरित्र में शामिल है। तो मैं इसके लिए BJP को, पूरी पार्टी को ही बधाई देना चाहूँगी। और अब मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय सेक्रेटरी महोदय श्रीमान आकाश कुमार जी को, वे यहाँ आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। आप सबको नमस्कार। माननीय बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, चंचल मैम, नीलम मैम, अनीता मैम और आप सब, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली क्या है, मेरा अपनी फैमिली, आज प्रदेश 5 साल बाद फिर से एक वही है कि पॉलिटिकल एक स्थिति आ गई कि हमें फिर से इलेक्शन हो है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसके साथ जाना है, क्या चाहते हैं हम, डेवलपमेंट के साथ जाएंगे या और किसी मुद्दे के साथ जाएंगे। हम एज ए टीचर, आप सब टीचर्स क्या चाहते हैं अपनी स्टूडेंट से कि वो आगे बढ़ चल के देश के डेवलपमेंट में पॉजिटिविटी के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाने के लिए को अपना कंधे से कंधा मिला के चले। कपिल भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं सालों से, मैं शायद जब पहली बार ये कपिल भाई चेयरमैन बने थे उससे पहले से मेरे दादाजी के पास इनका आना जाना था। कपिल भाई से हमारे परिवार का बहुत प्रेम रहा है
और मेरे लिए तो कपिल भाई एक बड़े भाई की तरह है। जब भी मैं कोई दिक्कत हुई, जब भी पिछले 6-7 सालों में 2015 से लेकर आज तक मैंने फ़ोन किया, मैं कभी निराश होकर वापस नहीं आया। मेरा काम जितना कपिल भाई कर सकते थे उससे ज़्यादा करा उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा इस शहर में मेरे लिए एक सपोर्ट रहे हैं कपिल भाई। मेरा पुणे सबसे निवेदन है, पुणे क्या पहली बार ही सबसे निवेदन कि अपनी समझ से जो बेस्ट हो वो चुने, और मेरी तरफ से द बेस्ट स्टेज पे बैठा हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बेटी की माँ और एक महिला होने के नाते मैंने 2017 से पहले और 2017 के बाद जो शहर का वातावरण है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी फ़र्क महसूस किया है। और मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लेडीज़ स्टाफ बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आप लोगों को भी ये फ़र्क महसूस हुआ है? अगर आप लोग हाँ कह रहे हैं तो ज़ोरदार तालियों के साथ समर्थन दीजिए इस बात का कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुई है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल्प बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ हमारे माननीय मंत्री महोदय श्रीमान कपिल देव अग्रवाल जी को, वे यहाँ आए। सभी को मेरा बहुत सारा प्रणाम। यहाँ उपस्थित आदरणीय काशी एक शानदार संस्थाओं के शानदार सचिव ऐसे हमारे आकाशी, और चंचल मैडम उनकी मैं क्या तारीफ करूं, आप सब तो जानती हैं पर हम भी उनके दीवाने। कितनी बार मैंने देखा, कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे की भी कोई समस्या लेके गया कभी, तो मैडम उसको उसका नाम, उसकी परसेंटेज, उसका रिजल्ट, उसी क्लास, ये सब उनको पहले से पता होता था। तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा इस बात को कि चंचल जी इतनी बड़ी संस्था को लगातार थामने कम रही, और सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो डायरेक्टर के रूप में हम सबके साथ हैं, तो बड़ी बात है। एस जी को उनकी ज़रूरत है, इसे चंचल मैडम हम सब के साथ हैं। अनिता दत्ता जी हमारी प्रिंसिपल एस जी पब्लिक, नीलम मेहता जी प्रिंसिपल एस जी 10 पब्लिक, और रेखा जी हमारे जूनियर विंग की प्रिंसिपल, और साथ में नुपुर जी अभी संचालन कर रही थी आप सबके सामने, वैशाली जी, शिवानी गुप्ता, ज्योति जी, गीता बंसल और आप सब, और हमारे सभी स्टाफ और थूर, हम तो थोड़ा सबको थोड़ा धूप लग रही है, हमारे बाकी स्टाफ जाके बैठ गया थोड़ा दूर, मैंने कहा नहीं बैठना सबको तो दूर जाए। अभी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं? पीछे मेरी आवाज़ पहुँच रही है? ये देवियों उनके पीछे पहुँच रही है या बातें कर रही हो? वो नज़र सब पर रखनी पड़ती है ना। चलिए, कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको बताएं। अगर मेरी जगह आप आगे खड़े हो जाएं या हमारी टीचर्स खड़ी हों तो आप भी घंटों बोल सकते हैं, तो बढ़िया बोल सकते हैं। अभी मैं बार संघ का कार्यक्रम था तो एडवोकेट हैं एक माधुरी, डीजीसी भी रही हैं, तो कुछ महिलाएं कम थी, एडवोकेट ज़्यादा थे, पुरुष भाई ज़्यादा, तो खड़ी होगी मुझे बोलना आ गई, आ करके 2-3 मिनट में इतना शानदार बोली, और पुरुष थे मतलब एडवोकेट्स जो मेल थे वो होंगे कम से कम 250, और महिलाएं थी 3-4, तो बोली कि ये कभी ज़माना हुआ करता था जब महिलाएं पुरुषों से पूछ के वोट करती थी, वो ज़माना गया, अब महिलाएं अपनी मजबूती से अपने दम पर और अपने विश्वास के आधार पर वोट करती हैं, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र की 99% महिलाएं आपको वोट करें। ऐसा उसने बहुत भावनात्मक तरीके से अपना उसने उद्बोधन शुरू किया। ये बात मैंने चर्चा इसलिए की कि 2014 में आप अगर हम 13-14 में जाएंगे
निराशा का माहौल था। देश कहाँ जा रहा, चाहो तब आतंकवाद, देश को टूटने का षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का परम सीमा, भ्रष्टाचार की परम कास्ता, 2G घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और आवास घोटाला, पता नहीं क्या क्या थे, राफेल घोटाला, ऐसी। तो निराशा के दौर में आप सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद एक शानदार एक सूर्योदय हुआ बढ़िया तरीके से। जो आपकी आकांक्षाएं थी, आपकी अपेक्षाएं थी, अगर मैं शुरुआत करूं तो लाल किले का पहला भाषण जो उनका था वो स्वच्छता अभियान को लेकर था। और स्वच्छता अभियान में उन्होंने शौचालय की बात की। हम सब थोड़ा एलिट परिवार से, मध्यम श्रेणी या मध्यम श्रेणी ऊपर के परिवार की हम सब बहनें यहाँ बैठी, कल्पना करिए जो गांव के अंदर रही हैं या हमारे परिवार के लोग गांव में रहे होंगे, गांव में कितना मुश्किल था महिलाओं का कि शौच के लिए जाना जंगल में, खेत में, तालाब पर और ऐसे ही बिना पानी लिए आया, कोई पुरुष वहाँ से निकल जाए तो महिलाएं खड़ी हो जाती, उससे मुश्किल काम था बेटियों के लिए। जो गांव के अंदर छोटे स्कूलों में, सरकारी स्कूल में, इंटर कॉलेज में, 8वीं तक के जूनियर स्कूल जो बेटियां पढ़ती 12 साल की, 16 साल की, 14 साल की, 10 साल, वो कहाँ जाए, शौचालय होते नहीं थे, होता तो एक, वहीं भी सारे बच्चे हैं, लड़के भी वहाँ पर हैं। लड़कियों के लिए कितना मुश्किल काम था, घर से आती और वापसी घर जाके 6 घंटे में 7 घंटे में तो फ्रेश होती। इस दर्द को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझने का काम किया। उनके मन से पूछिए कितना मुश्किल, हमने देखा है, इधर को मानो। सबसे बड़ी समस्या देश की सब महिलाओं के लिए, सब बेटियों के लिए, सब माताओं के लिए शौच की समस्या खत्म करने का काम किया, यानी उनके दर्द को, उनकी भावनाओं को समझने का काम किया, लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए। और सारे स्कूलों के अंदर सरकारी इतनी शानदार व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, मैं इसी पब्लिक से तुलना तो नहीं करूँगा, पर जितने मॉन्टेस स्कूल गांव-गांव के अंदर होते हैं उनसे बहुत अच्छे लेवल के स्कूल हमारे सरकारी स्कूल हैं। उनकी पेंटिंग, उनकी फिनिशिंग, उनकी प्लांटेशन, टीचर तो सब क्वालिफाइड हैं ही, तो बात ही नहीं है, सब कंपटीशन से आती हैं और वहाँ का सारी व्यवस्था है और पढ़ाई का लेवल, ये हमने कर दिया। मोदी जब प्रधानमंत्री थे उससे पहले की बात हम करें, गैस की कितनी बड़ी समस्या थी, कौन बहन है या बेटी है या हमारे भाई लोग जिनका कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति गैस की लाइन में नहीं लगा हुआ, 10 दिन पहले शुरू हो जाता था गैस खत्म होने वाली, और थोड़ा थोड़ा गैस चलाना शुरू हो, गैस खत्म ना हो जाए, सांस की साथ गैस चलती है, और जब लाइन में लेने गए तो 6 घंटे 7 घंटे लाइन में लगना, और लाइन में लगे तो नंबर आपका आया तो लाइन खत्म, गैस खत्म। और घर पे जब हमारे परिवार के लोग, हमारा भाई, हमारे पति, हमारा बेटा या परिवार कोई भी व्यक्ति इस घर में अगर वापस सिलेंडर लिए आ गया तो उसकी हालत ऐसी थी या युद्ध के मैदान में हार करके वापस पहुँचाओ, यही हालत। प्रधानमंत्री ने उस व्यवस्था को चुटकी खत्म कर दिया। तो होता क्या था, 2.5 करोड़ कनेक्शन फर्जी थे, कितने बताया मैंने, 2.5 करोड़। वे 2.5 करोड़ कनेक्शन ऑनलाइन करके नंबर दो के सारे कनेक्शन खत्म, उनको ख़त्म किया तो सबको गैस मिली। जो कितने गरीब लोग थे, जितने दलित वर्ग के लोग थे, सैनिक समाज में, पाल समाज में, हरिजन समाज में, बाल्मीकि समाज में, इवन मुस्लिम भी, उन्हें सबको गैस से कनेक्शन दिए, निःशुल्क गैस से कनेक्शन दिए, सबको घर बैठे आज गैस मिलती है। ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, कोई गैस के प्लांट नहीं लगे, केवल व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम। अभी इतना बड़ा, अभी हम आकाश जी वहाँ पर थे, जो हमारे आज डिप्टी सीएम दिनेश जी आए थे, तो दिनेश जी के साथ राकेश बिंदल के उनका नाइट स्टे था यहीं गेस्ट हाउस पे, और काफ़ी लोगों ने बुलाया, कोई 400-500 लोग वहाँ पर थे। तो वहाँ के इंडस्ट्री ने मुझे कहा कि भैया एक बात की चर्चा जरूर करना, कहीं आपको बोलने का मौका मिले तो, कि सरकार के प्रति विश्वास वो जनता में कायम हुआ है। आकाश जी आप भी टैक्स देते, हम सब इनकम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पहले भी पे करते थे आप, कहाँ जाता था ये इनकम टैक्स, कहाँ जाता था, सरकार का कौन सा डेवलपमेंट का काम था जो आपको पहले 2014 से पहले होता हुआ दिखता था। इतने बड़े बड़े काम आपके हो गए, मुजफ्फरनगर से मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, देहरादून, देहरादून से सहारनपुर, सहारनपुर मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, सब जगह किसी की आपसे सब, पानीपत खटीमा मार 3500 करोड़ का, ये सब कैसे बन रहा, इतने कम समय में मात्र 5 से लेकर 7 साल में ये सारे काम कैसे हो, वो कहाँ से हो, महत्वपूर्ण बात हो कहाँ से, ये पहले क्यों नहीं होते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा जो टैक्स पेयर हैं
वो किसी भी रूम में टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स पे करते हैं, वही जो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया, या किसी रूप में आप रेवेन्यू देते हैं, आप बाइक खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो आप टैक्स पे करते हैं। जब टैक्स पे करते हैं पहली बार ये एहसास हो रहा है कि टैक्स के पैसे का 70% उपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा, कितनी सड़कें बन गई, कहाँ से पैसा आया। RRTS जो दिल्ली से चली, हिंदुस्तान की पहली RRTS है जो दिल्ली से चली और दौराला तक पहुँच गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसको मुजफ्फर तक बहुत जल्दी लाने वाले हैं। हमारी NOC लगातार लगे रहे, इसकी NOC हमारी लखनऊ से जा चुकी, 90% पैसा दिल्ली को करना होता है, 10% पैसा उत्तर प्रदेश को देना होता है, तो लगे हैं बहुत जल्दी आए वो काम। 17,500 करोड़ अब कैलकुलेटर में लिखना कितने पैसे होते हैं, कहाँ से आया, ये मोदी जी ने कोई पेड़ तो नहीं लगाया, मशीन भी लगाई, सब टैक्स आता है। इतना बड़ा हाईवे दिल्ली से मुजफ्फरनगर का रास्ता 2 घंटे, आप एयरपोर्ट जाइए उसमें 5 बजे, 2 घंटे में एयरपोर्ट, 6 घंटे में पहुँचते थे, 1 घंटे का माजी लेके चलते, मोदी नगर में, मुरादनगर में, कहीं आपको जाम ना मिल जाए, ये सारा होने लगा, ये कहाँ से हो रहा है। और तो सुनिए, कोरोना आने के बाद जो वैक्सीनेशन का काम हुआ, ये वैक्सीनेशन, एक वैक्सीनेशन 1950 रुपये की पड़ती है। देश के जो हमारी आबादी है 130 करोड़ की, तो डबल वैक्सीनेशन यानी मिला के 130 का मतलब 260, तो 170 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी दो बार। कैलकुलेशन करिए कितना पैसा बैठा, कहाँ से आ रहा पैसा है, स्टाफ अलग, स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस, गाड़ियाँ, ये सब अलग। इसके अलावा डबल गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश 70 करोड़ लोगों को डबल, और देश के अन्य लोगों को 5 किलो राशन प्रति यूनिट प्रति माह। ये कहाँ से आ रहा है, गेहूँ चावल तो पहले पैदा होता था, गेहूँ चावल पहला पैदा हो रहा था, तो आपको समझना पड़ेगा क्या उत्तर प्रदेश के अंदर केवल योगी आदित्यनाथ जाने के बाद 8.5 लाख राशन कार्ड निरस्त होने का काम हुआ। ये सारा खाद्यान्न अधिकारी, कोटे वाले, DSO, DM और तत्कालीन मंत्री या सरकार, उनको बेचकर पीने का काम हजम कर, ये सारा खजान को निकाल करके वो बीमारियां खत्म करके, आपने देखा होगा, सबको मालूम होगा आपको कि पोश मशीन से अब खाद्यान्न बढ़ता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक आदमी यहाँ पे रहने वाला और रहना मजदूरी के लिए बिहार, तो बिहार भी अपना राशन ले सकता है। ये व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था मोदी जी ने, योगी जी ने करने का काम किया, बड़ा काम हुआ। 8.5 लाख राशन नष्ट हुए, सबको खाद्यान्न लगातार मिला, ये सब कहाँ से आ रहा, कैसे हो रहा, यानी हमने केवल भ्रष्टाचार को खत्म करके व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम किया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे तो कहते थे 1 रुपया हम भेजते हैं 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे रास्ते में कमीशन के रूप में खत्म हो जाते। ये कमीशन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जो 85 पैसा था जो रास्ते में खत्म हो जाता था, इसको खत्म करने का मोदी जी ने, योगी जी ने करने का काम किया, ये बड़ा काम। आप सबने आशीर्वाद दिया, कौन है जिसने कभी ना कभी खून के आंसू ना रोए, किस लिए, कि जब देश के नौजवान, भले हमारे परिवार के ना हो पर देश के नौजवानों के लिए सीमा पर खड़ा है, हमारी रक्षा के लिए, वो किसी का बेटा हो, किसी ना किसी माँ का बेटा है, किसी ना किसी बहन का भाई है, किसी ना किसी महिला का पति है, वो हमारे हैं, हमारे सैनिक जहाँ निकलते हैं उनके लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हैं। मतलब कश्मीर से आतंकवाद चलता था, पाकिस्तान से आतंकवाद चलता था, तो कितने नौजवान शहीद होते हैं और हम केवल रोने का काम करते हैं। और तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, और समर्थन था बसपा का, सपा का, समाजवादी पार्टी सरकार का समर्थन था, समाजवादी पार्टी का और बसपा का समर्थन बाहर से था, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जब जब आतंकवादी हमले होते थे तो सीधे अमेरिका के पास, ब्लिंकन के पास, हाँ जी हमको मार दिया, हमारे आतंकवादी मार दिए, आतंकवादी हमारे नौजवान मार दिए हमारी मदद को, तो केवल क्या होता था, अमेरिका हमारे आंसू पोंछता था और पीछे से पाकिस्तान की पीठ थपथपाने का काम करता। मोदी जी ने कहा आतंकवादी समस्या को हल करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, अभी आपकी आंखों के सामने जब पुलवामा हमला हुआ
कितनी बड़ी घटना थी, 40 नौजवानों को सोते हुए उनकी हत्याएं करके, हमारी भाषा में उनको शहीद करके, बड़ा कायरना हमला आतंकवादियों ने कमला कर लिया। पर आंखों के सामने हमारे सब नौजवान बच्चे, 4 साल के 6 साल के 10 साल के बच्चे झंडा हाथ में लेकर के, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, सबकी भावनाएं, सब करोड़ों कंदन थे, सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू था, सबके दिलों में धड़कने बढ़ी हुई थी। और सब देख रहे थे नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, हिंदुस्तान क्या करेगी। कल्पना करिए, हमारे घर में भी पड़ोस में किसी से झगड़ा हो जाए, हम भी कोई दो शब्द कह दे, गंदे शब्द कह दे, हम भी बदला लेने की हिम्मत नहीं करते। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे नौजवानों ने, हमारे ब्रिगेडियर्स ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान में घर में घुस करके एक नहीं दो दो बार 400 आतंकवादियों को मार के गिराना, उनके आतंकवादी अड्डे ध्वस्त करना, ये बड़ा कार्य, सबका सीना छोड़ा, सबको स्वाभिमान हुआ अपने प्रधानमंत्री, कितना बड़ा काम था। आप कल्पना करिए, आप ये कल्पना करिए, भगवान ना करे हमारे नौजवानों के फंस जाते, हमारे हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट जो वहाँ गए वो घिर जाते, गिर जाते, टूट जाते, हमला हो जाता, आमने सामने लड़ाई हो जाती, 10-20, 100-200 लोग हमारे वहाँ शहीद हो जाते, तो देश के ऊपर कितना कलंक होता। लोग प्रधानमंत्री को बोलते कि देश का प्रधानमंत्री है जिसने आत्मा, तो हाँ नौजवान तो पहले मरे ही मरे, वो तो शहीद हुए ही, 200 लोगों को मरवा, कितना बड़ा रिस्क प्रधानमंत्री लिया होगा, कितना बड़ा रिस्क सेना लिया होगा। पर रिस्क लेने के कारण से ही नरेंद्र मोदी आज नरेंद्र मोदी है, बड़ा काम। मुख्यमंत्री 2017 में आपने आशीर्वाद दिया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ बने, क्या नहीं हुआ, कितनी गुंडे का माहौल था, कितनी बदतमीजियाँ थी महिलाओं के लिए, खासतौर से बेटियों के लिए, इस SG पब्लिक में तीनों माई संस्थाओं में बाहर से बहुत सारे बच्चे आते, हम देखते थे कि बेटियों को छोड़ने के लिए उनके माता पिता आते, चाहे रिक्शा में क्यों आना पड़े, स्कूटी में आना पड़े, क्यों, कोई बेटी से बदतमीज ना हो जाए। 4 लड़के सिर में बाहर खड़े, ये माहौल खराब हो रहा है, लड़कियों पर फब्तियाँ कस रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, कि चुन्नी खींच दी, कि स्कूल में साइड मार दी। ये स्कूलों में भी होता था, स्कूल के बाहर भी होता था, यहीं गांधी कॉलोनी में कितना बड़ा सेंटर, हमारा ट्यूशन सेंटर चलता, आप में से कई टीचर मैं पढ़ाती हूँ, कितनी गुंडागर्दी का माहौल था। गांधी कॉलोनी के लोगों ने पूरी कैंप पूरी बना दी, पूरी रैकेट, पूरी अपनी टीम बना दी कि जो है गुंडागर्दी करेगा उसके उठवाई पर, थोड़ी थोड़ी बच्चे भी कभी कभी गड़बड़ होती हैं, पर क्या हुआ, एक माहौल खराब था। चाहे बच्चियाँ गड़बड़ वो भी हमारी हैं, और बेटे गड़बड़ करें तो भी हमारे, आप बताइए माहौल में परिवर्तन हुआ कि नहीं। जो बच्चे या कोई और लोग शैतानियाँ करते थे, एक माहौल खराब था। नारी, महिला, बेटी, लड़की, यानी उसको किसी ना किसी खराब नजर से ही देखना, उसकी आंखों को, उसकी भावना को नहीं समझना, ये माहौल हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो गुंडे का माहौल था इसको ध्वस्त करने का काम मुख्यमंत्री जी ने करने का काम, किसी की हिम्मत नहीं है। महिलाओं की तरफ आंख भर के देख सके, आगे भर के तो देखते हैं लोग, बाप भी देखता है, भाई भी देखता है, पति भी देखता है, बेटा भी देखता है, उसकी आंखों में फर्क होता है, भावने आंखें तो एक ही होती है, आंखों के देखने का तरीका अलग होता है, उसकी भावनाएं अलग होती हैं, गुंडे की भावनाएं अलग हैं, शैतान की भावनाएं अलग हैं, बाप की भावनाएं अलग हैं, पति की भावनाएं अलग हैं, बेटे की भावनाएं अलग हैं। इन सब भावनाओं को बदलने का काम, और भारत की नारी की तो बात में लगातार करते तत्र नारी मुझे याद नहीं है पश्यंतु और तत्र पूजे नारी, श्लोक है संस्कृत का, जहाँ जहाँ नारी का वास होता है वहाँ वहाँ उनकी पूजा होती है, ठीक है ना, उनका भाव यही है, तो पूजा की बात तो ठीक है, लेकिन जब मौका लगा तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। 2 महिलाएं, 2 छात्राएं कहीं कॉलेज में जा रही हैं तो 4 गुंडे इकट्ठा हुए, फक्तियाँ कस दी, मुख्यमंत्री का नहीं, ये नहीं चलेगा। और यही नहीं, जितने बड़े बड़े माफिया थे, आजम खां, अकीम खां, मुख्तार अंसारी, बड़े बड़े लोग 6-6 फुट के लोग पेश होते विधानसभा के अंदर मुख्तार अंसारी के, उनकी नज़र पड़ जाए इस बात की तो तरफ चले विधायक, मुख्तार अंसारी हमको ये बात देख लें, इतना बोलो जलाया, 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी ध्वस्त करके उनके ऊपर सरकारी आवास बनाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सारा काम धारा 370 ठीक आसान काम था क्या? जब अमित शाह जी ने धारा 370 हटाने की घोषणा की लोकसभा के अंदर तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लोगों ने 370 हट गई, अरे ऐसे कैसे है, नहीं झूठ बोल रहे, ये नहीं हो सकता, किसी को भरोसा नहीं हुआ कि धारा 370 जैसा काला कानून जो भारत को तोड़ने के लिए था
वो भी हट सकता है, हट गई। भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। बहुत सारी बहनें जो थोड़ी बड़ी आयु की हैं, जिन्होंने 81 से 84 से लेकर के और 92-91 तक का संघर्ष देखा होगा, अगर किसी को याद हो तो कितने उन्होंने शिला पूजन, रामला पूजन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड के पाठ और बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, रामला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारी माताएं बहनें 50-50 लोगों की रोटियां चूल्हे पर बनाती थी। जितने ये कॉलेज हैं शहर के अंदर, चाहे SD हो, चाहे आपका ऐसी झांसी रानी हो, चाहे आपका वैदिक पुत्री हो, चाहे आरकन इंटर कॉलेज हो, चाहे आपका गांधी कॉलोनी SD हो, सब ये सब जेलों से भर गए। हजारों लोग संघर्ष था, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा, बहुत संघर्ष हुआ, तब जा करके आपकी आशीर्वाद से, आप सब ने आशीर्वाद दिया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, ये राम मंदिर बनने का पूरा श्रेय आप सबको कि आपकी आंखों के सामने ये भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बड़ा, हम जितनी कल्पना करें उससे बहुत बड़ा, बड़ा कहा इसलिए कि सामान्य मंदिर नहीं है, पटेल नगर का, कपिल नगर, गांधी नगर का, मंडी का, गांधी को, नो, ये पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी रूप में सनातन संस्कृति से प्यार करने वाले लोगों का ये भावनागर का प्रतीक। आपकी भावनाएं मैं बहुत सारी घंटों चर्चा कर सकता हूँ, थोड़ा समेटते विषय, लंबा विषय हो जाएगा। जो आपकी भावनाएं हैं, अभी SD पॉल के बैठे तो अभी आकाश जी बोले थे, इन्होंने बोला कि मेरा नहीं, आप सबका स्कूल, हम सबका स्कूल, ये मान लो SD पब्लिक यहाँ बैठे, या हमारी तीनों विंग के लोग यहाँ बैठे, तो स्कूल किसका है, स्कूल किसका है, कोई बोलो, हमारा, ये आकाश जी का नहीं, ये बाबू महेंद्र सिंह जी का नहीं है, जिन्होंने SD की नींव रखी, मैं उनको भी नमन करता हूँ। मुझे तो बहुत, कई बार लोग कहते हैं कपिल देव 24 घंटे अवेलेबल रहता है। माननीय कपिल देव अग्रवाल जी हम लोगों के बीच उपस्थित हुए, इसके लिए समस्त द SD पब्लिक स्कूल एवं SD पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्टाफ, प्रिंसिपल, सभी लोगों की तरफ से सर का धन्यवाद, आभार। आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया, उसके लिए आप सभी का आभार। और कार्यक्रम के अंत में मेरा सभी इंचार्जेस फ्रॉम ऑल द 3 विंग्स, द SD पब्लिक स्कूल, SD पब्लिक स्कूल सीनियर विंग एंड SD पब्लिक स्कूल जूनियर विंग, आई रिक्वेस्ट यू ऑल इंचार्जेस। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम।